जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मेहता अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली यह ITBP की एक जो नई वैकेंसी आई है उसके बारे में, जिसके फॉर्म भरे जाएंगे कुछ ही दिनों में, उसकी नोटिफिकेशन आ गई है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक नीचे, उसको जाके उससे जुड़ जाइए, ताकि वो नोटिफिकेशन में जो ITBP वाली है आपको वहाँ शेयर कर दूंगा, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके आप उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। क्योंकि अभी आजकल का जो समय हो गया, दौर हो गया, वो ऐसा हो गया कि झूठ बहुत ज़्यादा बिक रहा है, और झूठ बोलने में लोगों को मज़ा आ रहा है, और जिनको कुछ पता ही नहीं है, पता नहीं कौन से होश में लोग हैं, पता नहीं किस प्रकार से वीडियो बना रहे हैं इसी वैकेंसी के बारे में, मतलब इतना झूठा बोल रहे हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि मतलब सरासर झूठ बोल के, और फिर ऊपर से बोलते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता, इस प्रकार से मतलब पता नहीं कैसे झूठ बोल पाते हैं। मतलब जितनी वैकेंसी है उसका मतलब एक गुना बढ़ा दो, दो गुना बढ़ा दो, चार गुना, दस गुना, बीस गुना, मतलब आप 100 गुना बढ़ा दोगे उस वैकेंसी को। 100 गुना क्या, 200 गुना बढ़ा दोगे, मतलब 200 गुना एक पोस्ट को 1000 पोस्ट बताने वाले, मतलब चने को बादाम बताने वाले लोग बैठे हैं यूट्यूब पे, उनको कोई होश ही नहीं। बोल रहे ITBP की 7 बटालियन गठित हो रही है, तो वहाँ पर 7000 पोस्ट की, अरे ऐसा कभी हुआ क्या 7 बटालियन एक साथ गठित हुई है? और गठित होती है ना तो एक ही जगह सबकी ड्यूटी नहीं दी जाती। बोल रहे 7 बटालियन गठित होगी तो 7000 जवान चाहिए। पहली बात तो ये कि कोई से भी अर्धसैनिक बल की आजकल विशेष अलग से भर्ती नहीं होती है, कॉन्स्टेबल की ना, CPOSI की, मतलब चाहे ITBPO, असम राइफल हो, BSF हो, CISF हो, CRPF, कोई भी, आपको ये भर जो लोग बता रहे हैं ना उनको एक बार आप अच्छे से जवाब दो, ताकि किसी भी अर्धसैनिक बल की अलग से वैकेंसी नहीं होती। केवल पैरामेडिकल स्टाफ और SCM की वैकेंसी होती है। पैरामेडिकल स्टाफ में आगे ट्रेडमैन, उसके अलावा जो मेडिकल वाले वो, उसके अलावा SCM की वैकेंसी, ये हर एक डिपार्टमेंट अपनी अपनी करवाता अभी तक। बाकी जितने भी वैकेंसी है, चाहे UPSC हो गई, चाहे ये जितने भी SI की पोस्ट आती है, CPO की, चाहे कॉन्स्टेबल की वैकेंसी आती है, वो सभी की सभी वैकेंसी कौन कराता है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कराता है। तो ये लोग होश में नहीं है, मतलब इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसी, वो एलिजिबिलिटी है क्या, उसका क्राइटेरिया है क्या, पढ़ते नहीं, बोलते रहते हैं हम सबसे पहले वीडियो। अरे सबसे पहले वीडियो दे रहे हो लेकिन दे क्या रहे हो? नीचे आपका कमेंट बॉक्स खोल के एक बार पढ़ भी लो। नीचे लोग कमेंट बॉक्स में लिख रखे हैं कि एक जितनी वैकेंसी बता रहे हो उसकी 1% भी नहीं मिल रही है। वेबसाइटों पर तो झूठी वैकेंसियाँ चल रही है, अपनी वेबसाइट बना लिए लोग, वैकेंसी पैदा कर दी, वो वैकेंसी कहीं रिकॉर्ड में है नहीं, उनके फॉरम नहीं है कहीं, किसी भी वैकेंसी को अच्छे से बस बोल दो ये वैकेंसी 7000 की वैकेंसी, 51 पोस्ट ITBP में आई है, वो आई है स्पोर्ट्समैन के लिए, 7000 वैकेंसी बता रहे हैं। बोलो ITBP की वैकेंसी है, इसकी मैं PDF आपको सेंड कर रहा हूं। उनके डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, उसमें जाके, और उनके जो ग्रुप है उनका व्हाट्सअप लिंक है, उन पर जाके सेंड करो कि यहाँ पर 51 पोस्ट लिखा हुआ है, 7000 पोस्ट कहाँ पर है? 51 पोस्ट हो 7000, मतलब कितना गुना हो गया, 3500 गुना, हद हो गई झूठ बोलने की। तो दोस्तों ऐसे लोग भी बैठे हैं, इसलिए अच्छे से जानकारी ले, फालतू अपना टाइम खराब ना करें, ठीक है? अच्छे से जानकारी ले, मैं जो वैकेंसी बता रहा हूँ आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, मैं उधर उसका लिंक भेज दूंगा, उसका जो PDF है उसकी नोटिफिकेशन 7 जुलाई से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, और ये स्पेशली जो वैकेंसी है वो है स्पोर्ट्समैन के लिए। तो कौन कौन सी कैटेगरी है उसमें स्पोर्ट्समैन की, वो आप जाके देख लेना अच्छे से, तो आपको पता चल जाएगा उसमें कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है, कौन से स्टेट खेला हुआ या नेशनल खेला हुआ किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, उसका एज क्राइटेरिया आप सभी को पता है, उसमें 18 से 25 के समथिंग दिया हुआ है, OBC ST को छूट भी दिया हुआ है, 18 से 23 भी है कुछ पोस्ट में, और उसका हाइट वेट सभी के बारे में पूरी डिटेल है, वो वीडियो में मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, बहुत लंबी डिटेल है उसकी, क्योंकि स्पोर्ट्स की वैकेंसी है वो, आपको पता है इसमें स्पोर्ट्स वाली वैकेंसी में बाद में स्पोर्ट्स भी खिलाया जाता है और टेस्ट होता है उसका। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं, कुछ अभी कईयों का ये रहेगा कि हमारे पास में प्रमाण पत्र के डिस्ट्रिक्ट के लिए अवेलेबल है या डिस्ट्रिक्ट वाले है या नहीं, वो आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए, ग्रुप में मैं भेज दूंगा अभी शाम को, तो आप अच्छे से देखिए। तो दोस्तों ऐसे ये फालतू जो बोल रहे हैं ना चने को बादाम, उन पर विश्वास ना करें, ठीक है? मैं